जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीछे का पीछे में ना पीछे पीछे वाला जिंदाबाद। 21 मार्च को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से चयनित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं महागठबंधन की ओर से डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदीप वर्मा के नामांकन भरने के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के अधिकतर नेता मौजूद थे। वहीं दोनों उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के सामने दो सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदीप वर्मा ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जनता की आवाज बनने का प्रयास करूंगा। वहीं प्रदीप वर्मा ने पार्टी और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी माँ की तरह है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। मैं आभारी हूँ पार्टी का और सभी कार्यकर्ताओं को, मेरा यही मैसेज है कि पार्टी माँ की तरह है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन का होना एक स्वस्थ परंपरा है। देखिए हम लोग एक जोट ही हैं, आप लोग कब लगा गए? ये कैसा परिपाटी है कि बढ़िया अनकंटेस्टेड हो रहा है इलेक्शन जो अनकंटेस्टेड हो रहा है, अनकंटेस्टेड जो है, बिल्कुल अच्छा है। राजनीति में भी स्वस्थ परंपरा ही विकसित होना चाहिए और पिछले दफे से आप सब लोग देख रहे हैं और उसके लिए हमें प्रसन्नता है। वर्मा जी को बधाई। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार सरफराज अहमद के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सरफराज अहमद के समर्थकों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 4 मार्च को शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा परिसर में 21 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा। उसी दिन शाम 5 बजे गिनती होगी। गौरतलब है कि झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 47 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास 26 विधायक और आजसू पार्टी के पास 3 विधायक हैं। इसके अलावा एनसीपी और सीपीआईएमएल के पास एक एक विधायक, 2 निर्दलीय और 1 नामांकित सदस्य है। सत्तारूढ़ गठबंधन पर नजर डालें तो झामुमो के पास 29 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 और आरजेडी के पास 1 विधायक है। साफ है कि सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।